नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष सिंह और आज अपने गृह जनपद में हूं। ये गांव है कटघरा के पास, एक गांव है बरहट, वहां पे हैं हम लोग। और मैं अभी जिस व्यक्ति के साथ बैठा हूं, ये जो है काकन संघ के अध्यक्ष हैं और आप बहुत बड़ी धरोहर भी हैं, ये किसान भी हैं। तो आइए जानते हैं इनकी जुबानी। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने टाइम दिया। आप अपने बारे में बताएं, पहले तो अपने विद्यार्थी जीवन के बारे में बताएं, फिर आपने किन किन पदों पर नौकरी की, कहाँ कहाँ सेवाएं दी। पहले प्राथमिक विद्यालय कक्षा 1 से 4 तक बरहट प्राथमिक पाठशाला में पढ़ी जी। अब उसको 5 तक कर दिया गया। अच्छा। 1 से 5 पहले जान 4 का, उसमें अंतिम जो परीक्षा हुई जी, पहले ब्लॉक नेता सरगनाई होती थी तो पूरे क्षेत्र से हम प्रथम आए थे। ये कौन से संघ की बात है गुरु? ये 45 1945 की बात है। प्रथम हुए पूरे क्षेत्र से। अच्छा। इसके बाद मेरा नामांकन जूनियर हाई स्कूल मंझारी में हुआ जी, सिक्स क्लास में। अच्छा। अब पहले उसको 5-6-7 कहा जाता था, अब 6-7-8 जी। तो उस परीक्षा में 7वीं परीक्षा जो इलाहाबाद बोर्ड से होती थी उसमें हम फर्जन पास हुए थे और हिंदी अंग्रेजी में डिस्टिंक्शन था। अच्छा। उस जमाने जी जी। इसके बाद मैंने अपना नामांकन भूखड़ा हाई स्कूल नया खुला था उसमें कराया। अच्छा। 8वां 9वां 10वां जी, 10 वहाँ से मैंने किया। तो ये 1950 के आसपास 51 में हाई स्कूल पास किया जी। 59% बार था, फर्स्ट डिवीजन नहीं आया, 59% बार था जी। फिर वहाँ के प्रिंसिपल और महंत जी ने कहा कि हम इंटर खोलने जा रहे हैं, आप रुक करके हमारा इंटर चलाइए जी, आप यहीं पढ़िए, लड़कों को रोकिए जी। तो हम रोके लड़कों को जुलाई में जा करके जी, और 27 लड़के हम लोग हुए इंटर का पहला बैच जी। 51-53 में पास कर लिए। तो 12th पास आपने 1953 में कर लिया। हाँ, भुड़कुड़ा से। भुड़कुड़ा जी। इसके बाद नामांकन काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हम कराए जी, 53-54-55 55 में मैंने बीए पास किया बीएचयू से। अच्छा, तो एक चीज बाबूजी ये बताएं, जैसे उस समय तो ये सोशल मीडिया वगैरह भी नहीं था, तो आप लोगों को कैसे पता चलता था कि ये स्कूल या ये कॉलेज अच्छा है? जैसे आप इतनी दूर बीएचयू, यहाँ से 60 किलोमीटर दूर है, तो कैसे पता चला, वहाँ कैसे एनरोलमेंट हुआ? अखबार के माध्यम से जी। उस जमाने में इधर कोई अच्छा विश्वविद्यालय नहीं था। हम लोग सुने थे कि बीएचयू में अच्छी पढ़ाई होती है, इसके बाद इलाहाबाद है, इलाहाबाद दूर पर, तो बीएच में नाम लिखा लिया। अच्छा। बीएचयू में हमारा नाम लिख दिया गया जी। फिर इतिहास में हमारा डिस्टिंक्शन मार्क था। अच्छा। उसके पहले किसी छात्र ने इतिहास में डिस्टिंक्शन मार्क नहीं पाया था। अच्छा। प्रथम छात्र रिकॉर्ड था। हाँ, प्रथम छात्र इतिहास में 78% हमको मिला था जी। फिर वहाँ से जाने के बाद हम बापू इंटर कॉलेज में टीचर बीए पास करने के बाद सादात जी, वहाँ पर इंटर का पहला बैच हमारे समय निकला, केवल 4 लड़के थे। अच्छा, एक चीज़ और बताएं बाबू जी, वहाँ इनरोलमेंट कैसे हुआ आपका, जैसे आपकी नियुक्ति कैसे हुई? मेरिट के आधार। अच्छा, मेरिट के आधार, उस समय मेरिट के आधार पर ही हुआ करती थी। हाँ। अच्छा। इस एरिया के गाजीपुर जिले से हमको आशा है कि पूरे जिले से 5-6 लड़कों का ही मेरिट के आधार पर एडमिशन, पूरे जिले से। अच्छा, 5-6 लड़कों का हुआ, उसमें से एक आप थे। हाँ, जी जी। परिस्थिति आई कि हम आगे नहीं पढ़ पाए, संक्षेप में बता रहे हैं जी जी, तो मैंने पढ़ाई छोड़ दिया। एम ए LLB करना चाहते थे जी। परिवार हमारा बहुत छोटा था, पिता अकेले थे, तो LLB करेंगे घर पर आकर के अतवार को फादर की मत करते हैं। कुछ स्थितियाँ ऐसी थी कि आगे पढ़ाई हमको रुकनी पड़ी जी। हम अध्यापक हो गए। अब जो 4 लड़के इंटर में नाम लिखा है उनको हिंदी अंग्रेजी इतिहास सिविक्स पढ़ाते थे जी, सारे विषय पढ़ाते थे। अच्छा। और
तीन घंटा आठवां नवा दसवां को इंग्लिश पढ़ाते थे। अच्छा जी, आठवां नवा दसवां को इंग्लिश और बाकी इंटर को जी। तो चारों लड़के पास हो गए, चारों सरकारी नौकरी में गए, सभी का देहांत हो गया। अच्छा, पढ़ाई लड़के अच्छा सरकारी नौकरी में गए चारों। तो वो अभी बुजुर्ग होके उनकी डेथ हुई होगी या नहीं? काफी दिन पहले हो गई। अच्छा, हमको ऐसा है 10 बरस 12 बरस जी जी जी। अब उनके लड़के सब पहले। अच्छा, इसके बाद वहाँ के मैनेजर प्रिंसिपल कहे कि यहाँ बहुत कम वेतन मिलता है, सरकारी नौकरी में रखा दे दीजिए। सरकारी नौकरी में रखा दीजिए, जानकारी बहुत नहीं थी। लोक सेवा आयोग से बाहर निकली तो उसमें मैंने अप्लाई कर दिया जी। तो एडीओ पंचायत के पद पर कंपटीशन हुआ पूरी यूपी का आयोग से जी। एडीओ पंचायत की जो मेरिट आयोग ने किया उसमें हम यूपी टॉपर। तो वो भी पंचायत मेरिट के बेसिस पे था? मेरिट। अच्छा, एडीओ पंचायत उसमें आप नंबर वन गए, सिलेक्शन हो गया आपका। ज्वाइन करने हम गए आजमगढ़, तो जिलाधिकारी आयशर था जी। पूरे यूपी में चार ही जिलाधिकारी आयशर बचे थे, बाकी सब आईएस को गए। अच्छा, क्योंकि आजमगढ़ गोरखपुर देवरिया बस्ती बड़े जिले थे तो वहाँ पर बचे थे आईएस, तो जिलाधिकारी थे। जब हमारे नियुक्ति के बारे में उस समय के अधिकारी ले गए प्रस्ताव, तो उसने कहा कि ऐसे यूपी टापर इसको वीडियो बनाया जाए। वीडियो का वेतन अब देने का नियम नहीं रह गया। ये हम लोग जब नौकरी में आए थे तो जो आयोग में टाप करता था उसको एक पद हायर दिया जाए, वेतन दिया जाए। अच्छा, लेकिन अब वेतन नहीं जा सकता है, लेकिन इनको वीडियो का किया जा सकता है जी। जी, हमारी नियुक्ति वीडियो पर हो गई। अच्छा, तो आपने इधर ये पढ़ाने का काम छोड़ दिया? और छोड़ दिया जी। छोड़ने के बाद तो ऐसा क्यों रहा कि जैसे आप अध्यापक थे तो उस समय भी सैलरी तो मेरे कितनी मिल रही होगी उस समय आपको? उस समय अनटेंड थे, अनटेंड को मिलता था 80 रुपया। अच्छा, ये कौन से सन की बात है? 1955 में जी। और जो एलटी रहते थे बीएड वगैरह उनको 120। अच्छा, फिर आप जब वीडियो बने तो कितना मिलने लगा यहाँ पर? वीडियो का एडीओ जब आप एडीओ पंचायत हुए तो उस समय एडीओ पंचायत का स्केल थोड़ा सा 175 से 350 जी बेसिक। अच्छा, आई एल टी गेट का 120 था जी, 250 था, थोड़ा सा जी। तो उस पर हम काम करने लगे और उस पर हम काम किए 16 दिसंबर 61 से जी। 16 दिसंबर 61 से 1/4/31/73 तक। अच्छा, मतलब 12 साल के आसपास काम जी। और मुख्यालय पर ही रहे थे, जिला मुख्यालय में ही रहे, ब्लॉक जी, सदर ब्लॉक जी। फिर 1/4/73 में हमारा डिप्रेशन स्वीकृत हो गया। 1/4/73 से 82 9 बरस तक हम जिला पंचायत उद्योग अधिकारी रहे, डिप्रेशन चले गए। अच्छा, उसमें वीडियो से अधिक वेतन मिलता था जी, जिला स्तर ट्रस्ट का वेतन मिलता था। अच्छा, 82 में फिर हमारा हमसे जूनियर लोग हो गए, डीपीआरओ वगैरह, हमको आराम था उसमें, डिप्रेशन जिले पर आना था जी, कहीं ब्लॉक में जाना नहीं था। हमारी वाइफ उस समय अभी भी एक था गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज में टीचर थी। अच्छा, तो हम एक साथ रहना है जी, इधर उधर जाएंगे दिक्कत पड़ेगी, तो ट्रांसफर हम लोगों का नहीं होता था जी। शासनादेश था कि इफ वाइफ एंड हस्बैंड बोथ आर गवर्नमेंट सर्वेंट जी, दे शुड बी पोस्टेड नियरर इफ पासबुक एट वन प्लेस। ओके, उस आधार पर हम पड़े रहे जी। फिर बट उस केस में आपको फिर प्रमोट नहीं किया जाएगा, ऐसा कुछ रहा होगा? डिप्रेशन से प्रमोशन से अधिक वेतन पाते थे। डिप्रेशन में जाने पर जो वेतन मिलता था हायर, उससे 25% अलग मिलता है। डिप्रेशन का
अच्छा। वेतन हम अधिक पा रहे थे क्लास टू का, कोई कम नहीं था जी। फिर हमसे जूनियर लोग ही प्यार हो गए जी। धीरे धीरे बड़े बड़े अधिकारियों को पता चला कि हम क्या सुन बिल्कुल पड़ा हुआ दूसरे भाग में, इसके साथ ही सब दिव्यारो है, तो हमको विभाग से वापस लिया गया दिव्यारो जी। 82 अच्छा, 82 से 94 तक दिव्यारो रहे। अच्छा, 12 साल जी। आप पत्नी हमारी प्रमोशन करके लेक्चर हो गई, फिर गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज प्रिंसिपल हो गई जी। फिर प्रिंसिपल से नॉर्मल स्कूल में गई, उसे प्रिंसिपल होकर के अब नॉर्मल स्कूल का नाम डायट हो गया जी। आजमगढ़ में रह गई, वो भी हम भी आजमगढ़ में डायट के प्रिंसिपल पद से वो भी रिटायर हो जी। कौन से साल में हुई थी माता जी? 97 में जी। और आप कब हुए? 94। आप BDO से रिटायर हुए? नहीं नहीं, DPR DPR जिला पंचायत जी जी जी। तो लास्ट पोस्टिंग आपकी आजमगढ़ में ही रहे? नहीं, आजमगढ़ में प्रथम पोस्टिंग हुई जी। लास्ट मऊ से न्याय बना था। अच्छा, मऊ से हुए थे लास्ट जी। अच्छा, फिर आप आने के बाद सीधे गांव में आ गए, यहाँ आ गए? इसलिए क्योंकि सेवा काल में जाते थे ब्लॉक की मीटिंग में, तहसील की सब जगह, तो कृषि के बारे में किसानों को बताया जाता था जी, हॉर्टिकल्चर सब स्कीम, तो हमको जो ही विषय मिलता था उस पर हम बोलते थे जी। DM का विषय कहते हैं, MK सिंह तो हर विषय पर बोलते हैं सबसे अच्छा जी। जो अधिकारी जिला स्तर के हैं उतना अच्छा नहीं, वो दूसरे के विषय पर भी अच्छा बोलते हैं जी। तो हमारा लगाव था कि नौकरी में आपको बताए कि ऐसे गेहूँ बोइए, पैदावार बढ़ेगी, ऐसे हम चल करके बिजनेस करें, शहर में रहें, कॉन्शस हमारा नहीं रहा। अगर हम शहर में उद्योग, तो हम बहुत बड़े करोड़पति हो गए थे, अरबपति जी। जितना उद्योग की जानकारी हमको हुई, उसका लेश मात्र भी हम फायदा नहीं उठाए जी। उद्योग जगत में नहीं गया प्रचार में जी। कोई भी अधिकारी, यहाँ तक कि आजकल के चपरासी भी जो रिटायर हो रहा है, वो गांव में नहीं रहा जी। बिल्कुल बिल्कुल, सब लोग छोटे कस्बे में, नंदगढ़, गाजीपुर, बनारस, इलाहाबाद, लखनऊ थे। हम ही एक अधिकारी हैं जी, जो कि क्लास टू के पद से रिटायर होकर गाँव में रहते हैं जी। जी जी बिल्कुल। तो गांव में रह करके देखा देखी हमारे गांव के लोग भी खेती में लगे हुए हैं। अधिकतर गांव के लोग अपना खेती अधिया पर देख करके चट्टी चौराहे पर जा करके सुबह शाम घूमते हैं जी। कोई खेती नहीं करता जी। हमारे गांव के लोग हमारे वजह से खेती में भी लोग लगे हुए हैं जी। खेती करते हैं, अच्छी खेती करते हैं गांव जी। और एक तो बहुत अच्छी चीज़ ये लगी कि जैसे ही हम लोग इंटर किए आपके गेट के अंदर, तो ये जो आपका बंगला है, ये घर है, ये बिल्कुल ऐसा लगा जैसे हम लोग किसी गांव में नहीं, किसी मेट्रो सिटीज के बहुत अच्छे से बंगले में घुसे हैं। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट आपने कब सोचा और इसमें कितना टाइम लगा होगा? तो 61 में जब हम BDO हुए जी, तो नेहरू जी जिंदा थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने पपीता की खेती पर जोर दिया। अच्छा, नेहरू जी जी। और उसकी व्याख्या हुई, समझाया गया कि पपीता नाम पड़ने का कारण क्या है जी। पपीता का असली नाम रणमेवा है। रणमेवा हमारे यहाँ हर तरफ था। रणमेवा, अच्छा। जब अंग्रेज हमको गुलाम बनाए तो वो सोचे कि रणमेवा युद्धस्थली का मेवा है जी, इसकी खेती करेंगे तो सब हमारा संघर्ष करेंगे, तो उसको सब बदल करके उसका नाम पपाया रहती है। अच्छा, और पपाया अंग्रेजी शब्द का देहाती पपीता हो गया जी। जी, ऐसी खेती बर्जित कर दी, अशुद्ध। अच्छा, अशुद्ध खेती पपीता कोई करता नहीं था गाँव में जी। अब मेरे भी प्रधानमंत्री हुए तो योग व्यक्ति थे, इंग्लैंड से पढ़े थे, तो वो पपीता की खेती कहे कि स्वास्थ्य में सुधार होगा जी। तो पपीता की खेती पर हम लोग ध्यान दिए जी, और गांव में पपीता लगाना शुरू किया जी। अब फिर ये हुआ कि भाई ये पपीता आखिर में पौधा कहाँ से इसका मिलेगा? तो जब देश गुलाम था
तो सबसे पहले यूपी में उद्यान विभाग बस्ती में कायम हुआ था। अच्छा, बस्ती जिले में। हाँ जी, वो अभी बहुत पूरी यूपी का सबसे अच्छा उद्यान विभाग का निदेशालय है बस्ती का। अच्छा, वहाँ से वो पौधा आता था, चार आने में पौधे ट्रक पर लौट रहे थे, किसी भाग की गाड़ी पर, हम लोग सड़कें नहीं थी, एक्का से भेजते थे ब्लॉक पर, फिर एक्का से प्रधानों के यहाँ भेजा जाता था, गांव में बढ़ता था। तो ये बात कि आखिर देखा जाए कैसे पैदा होता है, तो हम लोग गए बस्ती, वहाँ पर देखा गया तो हर प्रकार के पेड़ पौधे। अच्छा, आम है, अमरूद है, आंवला है, केला है, बहुत अच्छी तरह से वहाँ सारी व्यवस्था थी, उससे हम प्रभावित हुए। अच्छा, माइंड में मेरा जी, रहा जी। तो नौकरी में भी किसानों के यहाँ जो सक्षम थे उनको समझाते थे, थोड़ा बहुत हर प्रकार का पौधा लगाना शुरू किया जी। अच्छा, तो जब हम रिटायर अपने घर पर क्यों करें ये चीज़ जी, जब हम दूसरों को समझाए तो अब चल करके हम उद्योग धंधा करें किसी शहर में बैठ करके, तो अपने घर पर क्यों ना करें जी। ये तो वहाँ से कॉन्सेप्ट आपका फिर ये बस्ती उद्यान भाई से माइंड में हमेशा घूमता रहा जी। इसके अलावा कभी जाते थे लखनऊ कानपुर वगैरह, अच्छे अच्छे पार्क में घूमते थे, और उद्योग भाव में रहने जाते कानपुर आगरा बहुत हम जाते थे। अच्छा, बहुत जाते थे, हमारे रिकमेंडेशन पर वहाँ के पूंजीपतियों को स्टील आयरन लोहा चद्दर वोटर सब मिलता था, सीमेंट वगैरह अटकाए थे। हम बीच में भूल गए, 6 महीने हम जिला पूर्त अधिकारी भी रहे। अच्छा, 6 महीने अच्छा काम किया उस समय, उद्योग अधिकारी हो तो पूछना ही नहीं। हमारे संस्कृति पर बड़े बड़े पूंजीपतियों को लोहा सीट सब मिलता था। ये आपका घर जो है पुश्तैनी मकान है, आपने आने के बाद बनवाया? नहीं, बहुत आने के बाद पुश्तैनी मकान भी हमारा बहुत भला था, अच्छा था जी, उसको छोड़ दिया मैंने अपने परिवार को। ये हमारा चौथा चक था, प्रथम चक बंदी हुई 1960 में, ये बहुत निजी जमीन थी। तो ये 1975 में रिटायर होने के बाद आप यहाँ 94 में जी, उसके बाद फिर आपने ये सब शुरू किया, घर बनाया होगा उसके बाद बागवान? हाँ, घर तो शुरू हो गया हमारा ये 84 में बनना शुरू हो गया जी, लेकिन छुट्टी नहीं पाते थे, मकान बन नहीं पाता, कंप्लीट नहीं हो पा रहा था जी, थोड़ा बहुत हो जाता था। 94 रिटायरमेंट के बाद आकर के इसको ठीक किया, 98 में फाइनल हुआ। अच्छा जी, 98 में फाइनल हुआ जी, और हमारे लड़के एक ही थे वो पीसीएस में आ गए, तो उनका टेलीकोर्सो इसी में काम। अच्छा, आपके बच्चे कहाँ पे हैं इस समय पोस्टेड और कौन सी पोस्ट पे हैं? उनके जीवन दो विभाग है जी, एक है ज्वाइंट डायरेक्टर हैं अनुसूचित जाति एवं जनजाति जी लखनऊ सचिवालय में। अच्छा, और एक है वित्त एवं विकास निगम जी, दो विभाग उनके जी। इसके अलावा 1.5 साल तक एडिशनल डायरेक्टर ऑफ PGI भी रहे। अच्छा, उनके कामों से गवर्नर जो महिला है वो प्रभावित हुई जी, उन्होंने कहा कि वो पद खाली हुआ एडिशनल डायरेक्टर का, हाँ कि प्रकाश सिंह आप उसको ज्वाइन करिए, इन्होंने इनकार कर दिया कि हम दो विभाग खुद हमारे जिम्मे हैं, हम काम नहीं कर पाएंगे, और जो है शासन में सचिव किसी आपकी क्षमता को हम जानते हैं, आप चलिए वहाँ, उनके कहने पर बात होकर ज्वाइन कर ली जी, लेकिन वेतन उनको एक ही मिलता था। ऐसे नहीं, जब दूसरे भाग में अभी जाएंगे काम करेंगे 25% आपको अधिक वेतन मिलना चाहिए, वो वेतन इनको नहीं मिलता था, इन्होंने रखा कि हमारा वेतन बढ़ा दिया जाए जी, उसी वेतन पर यहाँ काम कर रहे हैं जिसने जाए, वो तो वेतन नहीं स्वीकृत हुआ, इन्होंने त्याग पर दे दिया जी, अपने मूल भाग में पड़े हुए जी। अब बाबू जी आते हैं थोड़ा काकन समाज से भी आप जुड़े रहे हैं, उसके अध्यक्ष रहे हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा आप बताएं कि कैसे शुरू हुआ ये, और आप अभी आपकी क्या जिम्मेदारियां हैं इसके प्रति? काकन छत्री वंश हम जब आजमगढ़ में थे जी, तो जसवंत सिंह
जो इस MLC रहे हैं। हाँ जी, एक बार विधायक, पहली बार जो विधायक जी, हमसे उनके संपर्क में जी परिचय दिए कि हम हल्दे मऊ सरोना के निवासी हैं, काकन क्षति हैं। तो मैंने कहा कि हल्दे मऊ सरोना से ही तो हमारे प्रथम पूर्वज बाबा रतन देव आज से 550 वर्ष पहले गए थे। अच्छा, और जा करके वहाँ पर बसे, उन्हीं के वंशज। अच्छा, अब हम लोग तू संक्षेप में बता रहे हैं। जी जी, संक्षेप में क्या अत्यंत संक्षेप। जी जी, 38 गांव हम लोग इस समय 38 गांव। अच्छा, तो बहुत प्रभावित हो गए। ठीक है, तो ये इस पूरे प्रदेश में 38 गांव हैं या इस जिले में? इस एरिया 5 कोसी पर में यहाँ। अच्छा, यहाँ पे पूरे प्रदेश में बहुत ज्यादा होंगे। पूरे प्रदेश में 12 गांव जो है बक्सर के पास हैं जी, 12 गांव आजमगढ़ में चिड़ियाकूट के पास हैं, जहाँ की जसवंत जी, 24 गांव पे ही हो गए जी, 38 गांव हम लोग हैं, तो सब बहुत हो गया। बलिया में है खीरापुर स्टेशन के पास 4-6 गांव फुटकर हैं, कहीं कहीं के दो दो ढाई सौ से काफ़ी। तो फिर उनके उस तरह से हम इस 5 वर्ष खरबा के तो अध्यक्ष है ये हर जगह जी, पूरे यूपी के हम अध्यक्ष हैं काकन क्षति। अच्छा, पूरी यूपी जी। तो इसमें किस तरह की जिम्मेदारियां रहती हैं? और इसमें एक अपने पूर्वजों के बारे में जानकारी प्राप्त हो, कैसे कैसे हम लोग इतनी संख्या में हुए हैं, कहाँ कहाँ पर हैं, खास खास कौन से लोग थे जो कि प्रभावशाली रहे, और अपने पूर्वजों के बारे में जानकारी हो और आगे वाली पीढ़ी को भी बताया जाए कि हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे भी जी, हम क्या थे जी। ये भावना जागृत हुई आगे रिटायरमेंट के बाद। तो यहाँ पर बाबू जसवंत सिंह से संपर्क होता रहा, यहाँ आकर के उन्होंने काकन क्षति वंश परीक्षा गृह के नाम पर 10 लाख रुपया दिया। अच्छा जी, वहाँ पर हम लोगों की क्षति वंश की बैठकें होती हैं। अगर किसी गांव का कोई व्यक्ति देहांत हो जाता है और चाहता कि 800 गांव को खिलाएं, देश का भोज करें, तो वहाँ मीटिंग की जाती है, श्रद्धांजलि सभा होती है जी। उस व्यक्ति के व्यक्तित्व कृतित्व पर प्रकाश डाला जाता है जी। फिर 38 गांव के सब लोग जाएंगे संस्कार करेंगे जी। ये मैंने व्यवस्था किया जी। और कुछ यदि कुछ ऐसी व्यवस्था पूरे यूपी में कहीं नहीं है जी। कोई भी बन छत्ती बन बहुत बड़ा, हाँ हाँ, लेकिन कहीं इस प्रकार की व्यवस्था नहीं जी। अच्छा, एक चीज इसमें और मैं पूछना चाहूंगा कि जैसे कोई व्यक्ति काकन वंश का है, आपके समाज का है, और उसकी मृत्यु हो गई और वो गरीब है, फाइनेंशियली कमजोर है, तो कुछ आप लोग मदद भी करते हैं? उन्हें उसकी मदद की जाती है, जानकारी हो जाती है, तो हम लोग आर्थिक सहयोग भी करते हैं। अच्छा। और उसको ये नहीं बात किया जाता है कि आप सबको खिलाइए जी जी, संक्षेप में करिए, बाध्यता नहीं जी। ये तो जो संपन्न लोग है वही करते वही करते हैं, सब लोग स्वतंत्र हैं, गरीबों की मदद हम लोग करते हैं जी, बहुत मदद है जी। और जो प्रथम पूर्वज थे हमारे रतन बाबा, उनकी मूर्ति हम लोग खरबा गांव में, पहले वैसे जंगल में, वहाँ पर उनकी मूर्ति लगाई गई है। अच्छा, और वहाँ पर जमीन की व्यवस्था की गई चेमंडी में। अच्छा, करीब 10-15 बीसा जमीन है, उसका खाता बना हुआ है और उसमें आदमगत मूर्ति है। अच्छा, उसके उद्घाटन में जो काकन क्षति वंश बक्सर के पास बताए हैं जी, वहाँ के रिटायर्ड चीफ जस्टिस केरला हाई कोर्ट उत्तर प्रदेश से, इलाहाबाद हाई कोर्ट में सीनियर जज रहे, फिर यहाँ से प्रमोशन हो गया था तो केरल गए थे, चीफ जस्टिस से रिटायर थे जी। अब पटना में रहते हैं, पटना जो हाई कोर्ट के बेस कैंपस में उनको भैया है सब, वो आए थे, उसके उद्घाटन बुलाए थे काकन उदय प्रताप से जी जी जी, वो भी जीवित हैं। अच्छा, उनकी व्यवस्था इस समय 78 वर्ष की है। आपकी एज इस समय क्या है बाबूजी? 88 वर्ष, 88 ईयर्स है आपकी एज। अच्छा, क्या आपने किसानी, आप खुद खेती भी कर लेते हैं?
सब खेती तो नहीं कराते हैं, लेकिन चूंकि पंपिंग सेट है पहले का, ट्रैक्टर है, इसका उपयोग क्या होगा, इसलिए जो हमारा 11 बीघे का चेक है एक जगह, उसकी खेती हम स्वयं देख लेते हैं। अच्छा, बाकी सब खेत अपना अधिया चौथी पर दे दिए। कुल खेत हमारे पास 27.5 बीघे है, 16.5 बीघा अधिया चौथी दे दिए। अच्छा, और उन लोगों के लिए क्या संदेश देंगे जो लोग खेती करना चाहते हैं बट करते नहीं हैं, अधिया पे दे दिए, या तो खेती में फायदा किस तरह से आप देखते हैं? खेती में हम लोग, खेती रिस्की हो गई जी, कभी सूखा कभी बाढ़ कभी कोई ना कोई समस्या आ जाती जी, तो खेती बहुत लापरवाह व्यवसाय नहीं। अच्छा जी, लेकिन उसमें लगे रहे तो हान भी नहीं जी, अधिक प्रॉफिट नहीं। हाँ हाँ, प्रॉफिट के दृष्टिकोण से खेती आप न करें। अच्छा, लेकिन ये सोचिए कि खेत है तो इसका हम उपयोग करते रहें, क्योंकि एक बार जिम्मेदारी प्रथा का उन्मूलन हुआ 1952 में जी, 1952 में, तो जो लोग खेती नहीं करते थे दूसरों खेत दिए थे वो खेत उनका हुआ। हाँ जी, और जो खेत जोतते थे वही खेत रह गए जी। तब हम सबको समझाते हैं कि आप लोग इसी तरह से खेती दूसरों को दे देंगे तो एक समय आएगा कि वो खेत उनका हो जाएगा, आप जीरो हो जाएंगे। ये चीज सबको समझाते हैं। मायावती ने किया था शुरू, मायावती ने सेक्रेट सर्वे कराया, जो लोग खेती अपना अधिया पर दिए हैं आज जो उसमें हर दिन खेती उनके नाम कर दिया जाए। अच्छा, जनता को मालूम हो गया कि हम लोग अधिया पर दिए हैं खेत, अधिकतर हर दिन दिए थे तो एक खेत उनका हो जाएगा, सब तुरंत खेत निकाल रहे। फिर उसको पता चला कि वो तो सारे ठाकुर खेत निकाल रहे हैं, तो उसको बंद कर दिया गया। अच्छा, सब बचे, लेकिन रिस्क है जी, रिस्क है, इसलिए अच्छा है कि आप खेत को बचाने के दृष्टिकोण से खेती में खेती है तो खुद करें। अच्छा चलिए बाबू जी, बड़ा अच्छा लगा, और अपने व्यूवर्स को मैं अभी दिखाऊंगा कि 88 इयर्स की एज में भी बाबू जी किस तरह से मैनेज करते हैं, खेती करते हैं 11 बीघे में, और इनकी बागवानी देख के दिल खुश हो जाएगा। तो अभी हम आपको दिखाएंगे दोस्तों इनके बंगले का पूरा सीन कि कैसे मैनेज किया हुआ है। और दूसरा एक चीज और बाबू जी बताएं आप, जो कि यहाँ पे भोजपुरी फिल्मों की शूटिंग भी हुई थी, कब हुई थी ये? हमको आशा है फरवरी 22 में हुई थी, निरहुआ दिनेश लाल यादव जी कलाकार थे। मूवी का नाम कुछ याद है आपको? यूपी 61 लव स्टोरी की शूटिंग भी इसी प्रीमाइसेस में हुई है। तो आप 65 कर्मचारी थे यहीं पे रहे वो लोग। अच्छा, उन्होंने कंटिन्यू शूटिंग किया। हम आपको यहाँ का एक दृश्य भी दिखाते हैं, घर भी दिखाते हैं कैसा है। तो ये जहाँ पे हम लोग अभी बैठे हुए थे, ये आप देख सकते हैं, ये बारामदा है जहाँ पे ये कुछ बेड वगैरह लगे हुए हैं। ये सिटिंग अरेंजमेंट है बाबू जी का। और ये यदि आप बाहर आते हैं तो ये देखें आप, सामने जो है मेन गेट है, और वहाँ से जब आप अंदर आते हैं तो कुछ इस तरह का व्यू दिखता है। ये बिल्कुल जैसे आप सिटी वगैरह में कोई प्लांट में घर बनाता है व्यक्ति, तो जिस तरह से मैनेज करता है वो है बिल्कुल। ये देखिए, अब आप अंदर आएंगे तो ये पौधे लगे हुए हैं, ये केले वगैरह की घार लगी हुई है, ये छोटे छोटे पेड़ हैं ये, और ये कंटिन्यू अकेले, इसमें कोई भी माली या वर्क का काम नहीं करता, ये बाबू जी खुद ही देखते हैं। तो ये है, और ये शैलेश भैया भी हैं यहीं पे। हेलो, बस वाकई काबिले तारीफ है, मतलब इस तरह की चीजें इस एज में, वो जो एक, और ये यहाँ बैठने का सिटिंग भी इन लोगों ने, सिटिंग अरेंजमेंट भी यहाँ पे किया है बिल्कुल, यहाँ पे बैठने का, शाम के टाइम में बैठते हैं बाबू जी अकेले। और यहाँ पे ये मैं दिखाना चाह रहा था, ये
अंबिका सिंह के प्रसाद परिसर में चिर निर्मित कक्ष प्रतीक्षालय वृत्तकार का उद्घाटन श्री यशवंत सिंह सदस्य विधान परिषद पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार ने किया था 15/5/2022 में किया था उन्होंने। हाँ तो ये है देखिए, यही है गोलंबर जिसका शिलापट यहाँ पे था। तो ये यहाँ पे शाम को बैठते हैं, सुबह शाम मतलब मनोरम दृश्य है बिल्कुल। अंदर आके एक अजीब सी शांति और बहुत ही सुंदर परिदृश्य है। तो ऐसे व्यक्ति को बहुत बहुत प्रणाम कि इन्होंने इस तरह का काम किया। और इस टाइम पे इस तरह की चीजें बहुत कम देखने को मिलती है, जहां लोग रिटायर होने के बाद अपनी लाइफ शहरों की तरफ कर रहे हैं, शहर में रह रहे हैं। उस टाइम पे बाबू जी ने गांव को चुना और यहां पे अच्छे तरीके से रह रहे हैं, जीवन बहुत खुशमय व्यतीत कर रहे हैं और दूसरों के लिए प्रेरणा भी है। तो बाबू जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने टाइम दिया।